ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। मेष राशि, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयास करते रहे, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही परिजनों का भी सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई में चल रही कोई समस्या दूर होने से सुकून और राहत मिलेगी। कोई पैतृक संबंधी मामला सुलझ सकता है। जब आपकी सही दिशा में सभी चीज जा रही हो तो जल्दबाजी और उतावलापन ना करें। अपने नजदीकी संबंधियों के साथ रिश्तों में मधुरता बनाए रखें। साथ ही पड़ोसियों अथवा बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी भी पर्सनल बातों को शेयर ना करें। व्यवसाय में वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें और इस समय किसी भी जोखिम भरे काम में पैसा न लगाएं। नुकसान होने की आशंका है। नौकरी पेशा लोग अपने लक्ष्य को किसी अधिकारी की मदद से हासिल करने में सक्षम रहेंगे। पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। विवाहित संबंधों में तालमेल बनाकर रखने से घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। घर में कुछ धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। लव पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। शरीर में कुछ सुस्ती और आलस हावी रहेंगे। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। भाग्यशाली रंग है क्रीम, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। वृष राशि, समय अनुकूल है। आपके कार्य व्यवस्थित तरीके से संपन्न होते जाएंगे। सिर्फ दिन की शुरुआत में ही अपने किसी भी खास कार्य को करने से पहले रणनीति तय करें। घर की सुख सुविधाओं संबंधी खरीदारी में भी परिजनों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत होगा। स्वजनों के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है, जिससे स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना आपकी समस्या का हल निकाल लेगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से घर पर आराम नहीं कर पाएंगे। अगर कोई कोर्ट के संबंधी मामला है तो आपसी सहमति से सुझाने की कोशिश करें। व्यावसायिक गतिविधियों में अपनी कार्य प्रणाली को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देने की जरूरत है। मार्केटिंग तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में भी समय व्यतीत होगा, जो कि सकारात्मक रहेगा। ऑफिस में मतभेद हो सकते हैं, लापरवाही न करें वरना बड़ी जिम्मेदारी आपसे छीन सकती है। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। बड़े बुजुर्गों के सहयोग से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंधों के मामले में सोच समझकर ही कोई निर्णय ले। अस्त व्यस्त दिनचर्या और खान पान की वजह से पेट खराब रह सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है हरा, भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। मिथुन राशि, आज कार्य कुशलता के दम पर आप वो उपलब्धि हासिल कर लेंगे जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी। आपके द्वारा लगन पूर्वक किए गए कार्य की सराहना भी होगी। प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सुखद समाचार मिलेगा। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें। सब कुछ ठीक रहते हुए भी आपको कहीं ना कहीं रिक्तता का एहसास रहेगा, और अगर मनन करें तो इसकी वजह कुछ भी नहीं रहेगी।
सिर्फ सुनी सुनाए और आलोचनात्मक बातों पर ध्यान न दे तथा अपनी भावनाओं व क्रोध पर नियंत्रण रखें। कारोबार में बड़ी जिम्मेदारियां बनी रहेगी, साथ ही स्टाफ और कर्मचारियों का भी भरपूर सहयोग बना रहेगा। लंबे समय से कोई अटका हुआ कार्य पूरा करने का मार्ग खुलेगा। नौकरी पेशा लोगों का उच्च अधिकारियों किसी बात पर तनाव रह सकता है। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में आपसी सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें तथा अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। पेट दर्द और अपच जैसी शिकायत रह सकती है। भाग्यशाली रंग है और अंश भाग्यशाली अंक है 3। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। कर्क राशि, किसी के साथ संबंधों में गलत फहमियां चल रही है तो आज उसका निवारण होगा। किसी मित्र की मदद से अटके हुए कार्य भी पूरे होंगे। व्यस्तता के बावजूद अपने मन मुताबिक तथा रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। घर में नवीनीकरण व साज सज्जा से संबंधित परिवर्तन करेंगे। कभी कभी आपका स्पष्ट शब्दों में बोलना संबंधों में दरार में डाल देता है, अतः बातचीत करते समय नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। अन्य गतिविधियों में अधिक समय व्यतीत करने के कारण आपके खुद के कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। कारोबार के ज्यादातर काम अपनी देखरेख में करवाएं, वरना नुकसान होने की आशंका है। हालांकि कंपटीशन में यश आपको ही मिलने वाला है। सरकारी ऑफिस में कुछ लोग राजनीति जैसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनाकर रखें, क्योंकि कुछ अलगाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कब्ज और पेट से संबंधित कुछ परेशानी रहेगी। तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें। भाग्यशाली रंग है नीला, भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा व्यतीत होने वाला है। किसी भी क्षेत्र में चल रही अड़चने दूर होती नजर आ रही है। पारिवारिक परंपरा और संस्कारों को बनाए रखने के लिए आपके कुछ प्रयास सार्थक हो सकते हैं। आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय बिताने से आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी। निजी संबंधों से जुड़े मसलों को बहुत ही सावधानी से हल करने की जरूरत है। शॉपिंग आदि करते समय अत्यधिक खर्चा हो सकता है। युवाओं का दोस्तों के साथ ज्यादा मेल जोल रखना और घूमना फिरना समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं होगा। कारोबारी गतिविधियां पहले की अपेक्षा ज्यादा सुबह व्यवस्थित होगी। किसी अजनबी से कोई डील फाइनल करते वक्त सभी पहलुओं पर अच्छे से सोच विचार जरूर करें। आपके फायदे का प्रतिशत बढ़ेगा। ऑफिस में अधिकारियों की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। पति पत्नी के बीच किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप द्वारा कुछ गलत फहमी उत्पन्न हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी कुछ मनमुटाव रहेंगे। सेहत और संबंधों में किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रह सकती है।
भाग्यशाली रंग है पीला, भाग्यशाली अंक है 8। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। कन्या राशि, आज दिन की शुरुआत में किसी वजह से कुछ निराशा की स्थिति बनेगी, लेकिन घबराने की बजाय उनका सामना करें। धीरे धीरे चीज सुव्यवस्थित भी हो जाएगी। कोर्ट की संबंधी कोई कार्यवाही चल रही है तो उसके सकारात्मक नतीजे मिल सकते हैं। किसी जगह निवेश करने की सोच रहे हैं या किसी नए कार्य से खुद को जोड़ना चाह रहे हैं तो पहले उसकी ठीक प्रकार से जांच पड़ताल अवश्य कर ले। पड़ोसी अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े, इससे संबंधों में खटास आने के अलावा और कुछ हासिल नहीं होगा। बिजनेस के कामों से जुड़ी यात्रा में सावधान रहें, नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियां व्यवस्थित बनी रहेंगी। युवाओं को किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने पर प्रोत्साहन मिलेगा। मुश्किल समय में जीवन साथी तथा परिवार जनों का सहयोग आपका संबल बढ़ाएगा, परंतु विवाहेतर संबंधों से दूर रहें। अनियमित दिनचर्या के वजह से पेट खराब हो सकता है, लापरवाही ना करें, जरा सी असावधानी नुकसानदायक रहेगी। भाग्यशाली रंग है गुलाबी, भाग्यशाली अंक है 9। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। तुला राशि, प्रत्येक कार्य को सलीके तथा व्यवस्थित रूप से करने से जल्दी ही लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, जिससे आप अपने अंदर भरपूर ऊर्जा और आपने विश्वास भी महसूस करेंगे। परिवार के साथ शॉपिंग आदि में भी समय व्यतीत होगा। दूसरों के बहकावे में आने से बचे तथा किसी के भी व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप न करें, वरना इससे संबंध भी खराब होंगे और आपकी दिनचर्या भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अपने गुस्से पर काबू रखें। जलन की भावना से कोई आपकी पीठ पीछे नकारात्मक अफवाहें फैला सकता है। बिजनेस बढ़ाने की कोशिश में सफलता मिलेगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह और मार्गदर्शन जरूर लें। सरकारी नौकरी पेशा लोग पब्लिक डीलिंग करते वक्त सावधान रहें, कुछ विरोधी सक्रिय हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंध बदनामी का कारण बन सकते हैं, मर्यादित रहे। तनाव और चिंता का दुष्प्रभाव आपके मानसिक सुकून पर पड़ सकता है। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना जरूरी है। भाग्यशाली रंग है आसमानी, भाग्यशाली अंक है 6। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। वृश्चिक राशि, दिन सफलतादायक है, अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। किसी मित्र अथवा परिजन की मदद से कोई अटका हुआ कार्य भी आज पूरा हो सकता है।
अपनी आर्थिक योजनाओं पर जरूर ध्यान दें, निकट भविष्य में परिणाम हासिल होंगे। कोई पैतृक संपत्ति संबंधी मामला चल रहा है तो अभी दिक्कत यथावत ही रहेगी। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहे, क्योंकि इसका असर आपकी मनोवृत्ति पर भी पड़ सकता है। कभी कभी मन में अनहोनी होने जैसा वहम अथवा भय रहेगा। अपना मनोबल बनाकर रखें। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने की बजाय उसका समाधान खोजने की कोशिश करें। हालांकि अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग बना रहेगा। मार्केट में आपकी उत्तम छवि बनी रहेगी। किसी भी तरह की पार्टनरशिप फाइनल न करें। घर परिवार की गतिविधियों में भी अपना योगदान देना जरूरी है। इससे आपसी संबंधों में मधुरता और नजदीकियां बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएंगी। किसी किसी समय कुछ अनिर्णय और तनाव जैसी स्थिति बन सकती है। कुछ समय अनुभवी लोगों के सानिध्य में अवश्य व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग है लाल, भाग्यशाली अंक है 2। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। धनु राशि, आज किसी विशेष व्यक्ति की मुलाकात आपको कोई नई दिशा सूच सकती है। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता का भी दायरा बढ़ेगा। किसी भी परिस्थिति में आप सामंजस्य बना लेंगे। व्यस्तता के बावजूद घर व परिवार आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी। किसी भी वस्तु की खरीदारी से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। जमीन जायदाद संबंधी कोई मसला चल रहा है, उसे शांति और गंभीरता से समझाएं, क्योंकि जल्दबाजी और भावुकता में गलत निर्णय भी हो सकते हैं। इस समय कोई भी स्थान परिवर्तन करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। बिजनेस में टाइम मैनेज करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। संपर्क सूत्र तथा पार्टियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से अपना कोई खास काम सुलझ सकता है। स्टाफ पर भरोसा रखने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। ऑफिस में व्यवस्था उचित बनी रहेगी। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। अपने प्रिय मित्रों के मिलने से पुरानी यादें ताजा करेगी। प्रेम संबंधों से जुड़ी बातें सभी के साथ शेयर करना उचित नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। कुछ समय प्रकृति के साथ भी अवश्य व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग है सफेद, भाग्यशाली अंक है 4। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। मकर राशि, आज कोई रुका हुआ आय का स्रोत दोबारा शुरू हो सकता है। किसी भी कार्य को करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह मशवरा अवश्य करें। सोच समझकर लिया गया फैसला आगे चलकर लाभ देगा। अगर घर में नवीनीकरण संबंधी कार्य शुरू हो रहा है तो वास्तु सम्मत नियमों का भी प्रयोग करना उचित रहेगा। कोई भी लेन देन करने से पहले शुभचिंतक से सलाह मशवरा करना जरूरी है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर उचित ध्यान दें। नकारात्मक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। ध्यान रखें कि जरा सी गलतफहमी की वजह से नजदीकी मित्रों और भाइयों के साथ संबंध खराब भी हो सकते हैं।
कारोबार में चल रही अड़चनें दूर होगी और आर्थिक मामलों में भी सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र में सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। नौकरी में बॉस अथवा अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। जीवन साथी तथा परिवार जनों के साथ मधुरतापूर्ण समय व्यतीत होगा। प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य बनाए रखें। खांसी, जुकाम तथा गला खराब होने जैसी मौसमी परेशानियां रहेंगे। लापरवाही ना करें और उचित इलाज लें। भाग्यशाली रंग है केसरिया, भाग्यशाली अंक है 5। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। कुंभ राशि, किसी खास कार्य को लेकर किए गए प्रयासों में बेहतरीन सफलता मिलने वाली है। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित विचार विमर्श अवश्य कर ले। राजनीति से जुड़े लोगों को आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। धार्मिक आयोजन संबंधी प्रोग्राम भी बनेगा। कुछ आलस और सुस्ती की स्थिति भी बनी रहेगी। नजदीकी संबंधों को लेकर आपके अंदर शक और वहम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर आपसी संबंधों पर पड़ेगा। जल्दबाजी और आवेश में आकर तुरंत निर्णय ना ले, यह समय बहुत सूझबूझ से व्यतीत करने का है। बिजनेस की गतिविधियों को व्यवस्थित रखने के लिए अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इस समय जरूर से ज्यादा कार्यभार अपने ऊपर लेना आपको थका देगा। आज मार्केटिंग संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। साथ ही अपने स्टाफ और कर्मचारियों पर नजर रखना भी जरूरी है। कुछ समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने से परिवार में आपसी सामंजस्य और प्यार बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों में किसी भी प्रकार की गलत फहमियों को स्थान न दें। अत्यधिक मेहनत की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है। अपनी मनोस्थिति का अवलोकन करते रहे। भाग्यशाली रंग है बादामी, भाग्यशाली अंक है 1। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है। मीन राशि, आज ग्रह स्थिति काफी संतोषकारी है। सिर्फ अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे, आज आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी। संतान पक्ष की तरफ से मन में प्रसन्नता रहेगी। अपनी जिम्मेदारियां को ठीक से निभाने की कोशिश करें। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचें। साथ ही अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा अवश्य करें, अन्यथा आपकी छवि बिगड़ सकती है। व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहने से मन में कुछ चिंता की स्थिति रहेगी। अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाना जरूरी है, जिससे और अधिक बेहतर परिणाम हासिल हो सके। नौकरी पेशा लोगों के स्थान परिवर्तन के योग हैं। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। युवाओं का आज किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यह संबंध प्रेम संबंधों में भी परिणत होने की संभावना है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बदलते वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कत तो हो सकती है।
भाग्यशाली रंग है जामुनी, भाग्यशाली अंक है 7। आज का उपाय, गायत्री मंत्र का जाप करते हो तो आपका काम कुछ हद तक बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि परिस्थितियां आपके हक में नहीं है तो विश्वास कीजिए, कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। दूसरे की कामयाबी से जलना क्यों है, आपका परिश्रम ही आपको सफल बनाता है। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, मन की अशांति से मानव का पतन होता है।